आज पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यानी कि जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। आम जनता से लेकर फिल्मी सितारे तक इस त्योहार के रंग में रंगे हुए हैं और इसमें अब क्रिकेटर भी शामिल हो गए हैं। क्रिकेट से दूर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें धोनी श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के रंग में डूबे हुए हाथों में बांसुरी थामे बजाते हुए नजर आ रहे हैं। धोनी का बांसुरी बजाने वाला 7 सेकंड का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। धोनी मजे हुए कलाकार की तरह बांसुरी पकड़े हुए हैं। उनका नया अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है। बांसुरी बजाते वक्त धोनी ने आंखों पर काला चश्मा पहना हुआ है। हालांकि धोनी का बांसुरी बजाने वाला ये वीडियो पुराना है क्योंकि इसमें अंबती रायडू भी नजर आ रहे हैं और धोनी ने टीम इंडिया की जिस टी शर्ट को पहना है वो भी काफी पुरानी है। धोनी से जुड़ी एक और खबर तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि धोनी अब राजनीति में एंट्री करने वाले हैं। वायरल हो रही तस्वीर में माही किसी राजनेता की तरह ही नजर आ रहे हैं। कुर्ता पैजामा और अचकन के साथ सिर पर गांधी टोपी भी लगाए हुए हैं। इससे पहले माही कभी भी ऐसे लुक में नजर नहीं आए। आपको बता दें कि विश्व कप 2019 में सेमीफाइनल में बाहर होने के बाद महेंद्र सिंह धोनी फिलहाल टीम इंडिया से 2 महीने की छुट्टी लेकर बाहर है। बड़ी बात यह है कि आर्मी ट्रेनिंग से लौटने के बाद धोनी अब अपने परिवार के साथ अपना समय बिता रहे हैं। ANP न्यूज़ रूम से अभिलाष की रिपोर्ट।